हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं पैसेंजर परमवीर। मेरा नाम परमवीर है और मैं ट्रैवलिंग और वीज़ा से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। आज की वीडियो बहुत ही लेट आ रही है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और पर जैसा कि आप वीडियो के टाइटल से समझ गए होंगे, आज की वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाली है, अगर आप फ्यूचर में US ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं US इमिग्रेशन क्वेश्चंस के बारे में। आपने US वीज़ा ले लिया, आपने फ़्लाइट करा ली, आप US पहुंच गए हो एयरपोर्ट पे, जो जो आपका फाइनल स्टेप होता है एक आपकी US जर्नी का, वो होता है US इमिग्रेशन। इमिग्रेशन पे आपसे कुछ सवाल जो आप किए जाते हैं और उसके बाद आपको US में एंट्री दे दी जाती है। तो जो US इमिग्रेशन वाले हैं वो आपसे क्या सवाल जो आप करते हैं, क्या क्वेश्चन करते हैं, उस चीज़ के ऊपर आज की ये वीडियो है। और ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। And I will also discuss what happened with me. I will also share my case with you कि मेरे साथ क्या सवाल जो आप किए गए। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं मेरी वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं हम टॉपिक पे। तो जो US इमिग्रेशन है उसके कोई भी फिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, या फिर फिक्स्ड क्वेश्चंस नहीं है कि आप उन्हें याद करके चले जाए और जाके वैसे के वैसा उनको आप बिना पूछे जवाब दे दीजिए और हो गया। ऐसा नहीं है, उनके कोई भी फिक्स्ड क्वेश्चंस नहीं है। US इमिग्रेशन वाले आपसे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री या आपकी ट्रैवल आइटेनरी से रिलेटेड आपसे कुछ भी सवाल जो आप कर सकते हैं। इसलिए आपको अपनी ट्रिप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप वापस कब जाएंगे, आप कहाँ रुकोगे, आप कहाँ घूमोगे, आप क्यों घूमोगे, आप किस लिए आए हो, आप क्या करोगे। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से अपने पास होनी चाहिए। एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर्स। कहीं भी झूठ बोलने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको फंसा ही लेंगे। सबसे पहला सवाल जो 99% ऑफ केसेज में वो आपसे करेंगे ही करेंगे, वो है कि डू यू हैव योर रिटर्न फ्लाइट टिकट्स। आपके पास अपनी US से वापसी की फ़्लाइट टिकट्स है या नहीं, जिधर से भी आप आए हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, जहाँ से भी। आपके पास अपनी रिटर्न फ्लाइट टिकट्स होनी चाहिए जब आप US में लैंड करो, उससे पहले आपके पास अपनी टिकट्स होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो हो सकता है वो आपको बोले कि आप उसी मोमेंट पे वहाँ पे कराओ, जो कि आपको बहुत महंगी पड़ सकती है, या फिर वर्स्ट केस में वो आपको शायद एंट्री भी ना दे। तो यू शुड ऑलवेज हैव योर रिटर्न फ्लाइट टिकट्स। इसके अलावा वो आपसे सवाल कर सकते हैं हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू स्टे, आप यहाँ पर कितना टाइम रुकना चाहते हो। तो आपको पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ डेज आप US में बिताने वाले हो और किस डेट से किस डेट आप वहाँ पर रुकने वाले हो। अगला क्वेश्चन वो कर सकते हैं व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर ट्रिप, आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो टूरिज़म, बिजनेस, या फिर स्टडी, या फिर किसी फ्रेंड या रिलेटिव से मिलने, या फिर उनके पास आए हो, ये सब जो भी आपका वट एवर द रीज़न इज़ आपको पता होना चाहिए और आप उन्हें वो बता सकते हैं। अगला सवाल वो आपसे कर सकते हैं व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, आप अपनी होम कंट्री में क्या काम करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए और कॉन्फिडेंटली इसका जवाब देना आना चाहिए। अगला सवाल वो आपसे कर सकते हैं डू यू हैव एनी रिलेटिव्स हेयर, अगर कोई आपका करीबी दोस्त या फिर ब्लड रिलेटिव या फिर कोई करीबी रिलेटिव वहाँ पर रहता हो तो आप उसके बारे में उन्हें बता सकते हैं और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगला सवाल वो आपसे कर सकते हैं कि हैव यू बीन हेयर बिफोर, आप यहाँ US में पहले आए हैं या नहीं आए, आपका पहली दफ़ा है या नहीं है। तो जैसा भी आपका आपके साथ जो भी केस है आप उन्हें बता सकते हैं। अगला सवाल वो आपसे करेंगे कि वेयर विल यू स्टे, आप कहाँ पे रुकोगे। तो अगर आप किसी होटल में रुकने वाले हैं तो आपके पास कन्फर्म्ड होटल बुकिंग्स होनी चाहिए। किसी फ्रेंड या रिलेटिव के पास रुकने वाले हैं तो उनकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उनका एड्रेस, उनका वीज़ा या रेजिडेंसी स्टेटस, जो भी कुछ है वो आपके पास उनकी डिटेल्स होनी चाहिए। अगला सवाल आता है जो वो आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं कि व्हाट आर यू कैरिंग इन योर बैकपैक, आप किस तरह की चीज़ें या फिर क्या क्या चीज़ अपने सामान में या लगेज में, चेक इन बैग में, केबिन बैग में, किसी में भी आप कैरी कर रहे हैं। इसका जवाब आपको देना आना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मेरे केस में हुआ था, उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा और मेरे पास कुछ ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट्स थी, जैसे कि गोंद और बेसन के लड्डू। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि सारी चीज़ें बताई और यू भी बताई कि एंड सम ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट्स। तो उसने मुझसे पूछा हाउ डू आई नो व्हाट आर ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट्स, यू शुड एक्सप्लेन मी व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, व्हाट आर दे मेड अप ऑफ। तो इट वाज रियली ऑकवर्ड एंड डिफ़िकल्ट फॉर मी उस मोमेंट में मुझे समझाना कि क्या किस किस चीज़ से बनी है और मैं क्या क्या कैरी कर रहा हूँ। इसलिए इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट आपको पता हो आप क्या सामान अपने साथ लेके जा रहे हो और वो किस चीज़ से बना है। एक एक चीज़, एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप वहाँ पे उसका जवाब दे सके।
अगला सवाल वो आपसे पूछ सकते हैं कि आर यू कैरिंग एनीथिंग इलीगल और एनी बैंड सब्सटेंस टू द यूएस। अनलाइक मैनी कंट्रीज, यूएस के जो कस्टम रूल्स है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, जैसे कि आप यूएस में फ्रूट्स या वेजिटेबल्स भी नहीं लेके जा सकते। मेरे केस में मैं कैरेट लेके गया था, वेजिटेबल, और एक स्निफर डॉग जो कुत्ता होता है सूंघते सूंघते मेरे बैग के पास आके खड़ा हो गया, और एक पुलिस वाली आई, उसने मुझसे डायरेक्टली पूछा यू आर कैरिंग समथिंग इलीगल। तो मैंने नहीं सोचा था कि कैरेट भी इलीगल हो सकता है, पर मुझे बताया गया कि कोई भी फ्रूट वेजिटेबल अलाउड नहीं है, मैंने कस्टम रूल्स नहीं पढ़े थे, तो मेरे को काफ़ी माफ़ी मांगनी पड़ी, और लकीली मुझे फ़ाइन नहीं देना पड़ा और मुझे एंट्री भी मिल गई थी। लेकिन आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू कि आप एक बार उनके कस्टम रूल्स ज़रूर पढ़ लीजिए। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँ कि क्या क्या चीज़ वहाँ पर बैंड है और क्या क्या इलीगल है। प्लीज़ वो चीज़ आप अवॉइड कीजिए, वो चीज़ वहाँ पर मत लेके जाइए। अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि डू यू प्लान टू वर्क ड्यूरिंग योर स्टे। आप यहाँ पर जिस ड्यूरेशन में रुकेंगे आप यहाँ पर काम करने की सोच रहे हैं, योर आंसर शुड बी नो, नहीं मैं यहाँ काम नहीं करने वाला हूँ। आप टूरिस्ट वीज़ा पे हो, किसी भी वीज़ा पे हो, बिजनेस वीज़ा पे हो, आप अनलेस आपके पास वहाँ का वर्क परमिट नहीं है यूएस का, तो आपको उन्हें बोलना है नहीं मैं यहाँ काम करने की नहीं सोच रहा हूँ, ना ही मैं करना चाहता हूँ। इसके अलावा आखिर में कुछ सवाल वो आपसे और कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ योर ट्रैवल आइटिनरी, आप कब कहाँ जाओगे, क्यों जाओगे, क्या देखोगे, कहाँ रुकोगे, कैसे घूमोगे। इसके अलावा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आप इससे पहले किस किस देश में गए हो, कौन सी जगह घूमे हो। इसके अलावा कि व्हाट इज़ योर एजुकेशन, आपकी क्या क्वालिफिकेशन या एजुकेशन है। या फिर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हु इज़ स्पॉन्सरिंग योर ट्रिप, या फिर हु इज़ पेइंग फॉर योर एक्सपेंसेस, जो भी आपका यूएस में खर्चा आएगा या फिर आपके फ्लाइट टिकट्स और वीज़ा का सारा खर्चा कौन बियर कर रहा है। अब लास्ट में अगर मैं बात करूँ मेरे केस की, तो मेरे को जैसा कि वो स्वीट्स वाला इंसिडेंट मैं आपको बता चुका और वो गाजर वाला कैरेट वाला ही बता चुका, इसके अलावा जो इमिग्रेशन पे मेरे से बस ये पूछा था कि आपके पास क्या क्या सामान है, आप कहाँ रुकोगे, मैं बेसिकली अपनी बहन के पास रुकने वाला था, मेरी सिस्टर एयरपोर्ट के बाहर ही मेरा वेट करी थी, तो मैंने बता दिया आई विल बी स्टेइंग एट माई सिस्टर्स प्लेस एंड आई हैड हर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हर एड्रेस प्रूफ, हर एड्रेस एवरीथिंग, और मैंने बता दिया कि भाई मैं इतनी ड्यूरेशन पे रुकूंगा, मेरे पास फ्लाइट टिकट्स है, कन्फर्म्ड है। यही उनके कुछ बेसिक से दो चार से सवाल थे, उनका जवाब मैंने काफ़ी कॉन्फिडेंटली और ठीक तरीके से दे दिया, सिवाय उस मिठाई वाले के। पर जो भी था मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, एंट्री मिल गई थी और ये मेरा केस था। तो दिस वॉज माई वीडियो अबाउट US इमिग्रेशन एंड कस्टम क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल थी, आपको काफ़ी काम आएगी अगर आप US ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा चैनल 10,000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंच चुका है और मैंने वीडियो काफ़ी लेट डाली है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पर जिस हिसाब से आपका प्यार मिल रहा है, आई प्रॉमिस कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोज़ डालूंगा, और आप बेल आइकन दबा सकते हैं मेरी वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सजेशन, कोई भी कमेंट या कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ हर आदमी का रिप्लाई करूँ, बस आप डायरेक्टली अपना क्वेश्चन मैसेज कीजिएगा, पहले हाई हेलो से कन्वर्सेशन स्टार्ट ना कीजिएगा, क्योंकि उससे कई बारी ज़रूरी क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो, आई होप यू लाइक डेट और हैव अ गुड डे। Bye.